ऐसे बहुत जाता है, हम लोग तो डरा डरा करके काम करते हैं माँ। तो क्या कीजिएगा, हम लोग अपना नौकरी बचा के काम कर रहे हैं, गिर जाएंगे किसी दिन चढ़ा देगा देखिए। लेकिन नहीं मानता है यार, हम लोग क्या करें अब, लेकिन ड्यूटी तो करना है, नहीं मानते। साइकिल वाला तो एकदम इतना परेशान करता है कि मत कहिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल तिवारी और आप लाइव प्लीज देख रहे थे कि सचिवालय दुर्गा मंदिर पे हम मौजूद हैं और यहां पे चेकिंग किस तरह से चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि धूप में भी पुलिस अफसर जो हैं वो अलर्ट करने के लिए कि हेलमेट पहनिए, हर चीज़ सेफ चलिए, मतलब सबसे मेन उद्देश्य होगा कि सेफ चलिए। लेकिन लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं, कुछ आधे परसेंट मानते हैं तो आधे परसेंट नहीं मानते। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो पकड़ाते हैं यहाँ पे, और आप भी सतर्क रहें। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, नहीं तो फाइन इतना कट जाएगा कि फिर आपको टेंशन होगा, फिर पैसा निकलेगा तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह का नज़ारा है, और हम इसके बाद एक और हाईकोर्ट की तरफ जो चेकिंग होता है हम उसको भी दिखाएंगे। देखिए पटना के हर एक जगह पे चेकिंग जो है वो धूप में भी हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप घर में से निकल रहे हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं, पीछे वाले को भी पहनाएं और खुद भी पहने, ताकि चलान तो चलान लेकिन जान भी रहेगा। देखिए कुछ लोग समझदार हैं जो कि हेलमेट पहन के निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं। आप विजुअल्स में देखिए कि किस तरह से पुलिस वाले को ठेल के बाइक वाले आगे निकले हैं। जी हाँ, देखिए किस तरह से वो बचने के लिए किस तरह से पुलिस वाले को ठेल के निकले हैं आगे, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। आप रोक रहे थे, ठेल के चला गया, और ऐसे बहुत जाता है, हम लोग तो डरा डरा करके काम करते हैं माँ। डरा के? डरते नहीं जाते, माँ ठोकर सर मार के भाग जाता है। पुलिस वाले भी डरते हैं क्योंकि लोग धक्का ही दे के भाग जाते। लहरिया कट गाड़ी लाता है, एकदम लाएगा वहाँ से स्पीड से लोग करेगा, फिर एक बार एक्सलेटर झड़ता है, लेकर पार हो जाता है। धूप में इतने मेहनत करते हैं उसके बावजूद अभी आँख के सामने भाग गए लोग। यहाँ होता है, यहाँ हम लोग मेहनत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो मान नहीं रहे। यहाँ सिग्नल चलाना पड़ता है ना, ये देख रहे हैं, यहाँ साइकिल वाला इस रोक के साइकिल वाला को उस पार करना पड़ता है, फिर उधर वाला रोक के फिर उस लोग को इधर पार करना पड़ता है। मानते लोग हैं नहीं, जिद्दी नहीं मानते। साइकिल वाला तो एकदम इतना परेशान करता है कि मत कहिए। देखिए 10 मिनट देखिए यहाँ से आएगा साइकिल। बाइक वाले भी जो है रोकने पे रुक नहीं रहे, यहाँ रुकने का यहाँ है नहीं, हेलमेट नहीं है उन पे, लेकिन अभी जस्ट पुलिस वाले को ठेल के चले गए। जी हाँ, आपके सामने। तो क्या कीजिएगा, हम लोग अपना नौकरी बचा के काम कर रहे हैं, गिर जाएंगे किसी दिन चढ़ा देगा देखिए। मानता है लोग एकदम नहीं, देखिए नहीं मानता है यार, हम लोग क्या करें अब, लेकिन ड्यूटी तो करना है, धूप में कड़ी धूप में तो ड्यूटी करना है, हर हाल में ड्यूटी करना है, मजबूरी इसी को कहते हैं। और लेकिन ये लोग जो हैं पूरा तैनात हैं, धूप में भी मेहनत कर रहे हैं, तो यही बोलूंगा कि हेलमेट जरूर पहने। और यहाँ से चलिए चलते हैं हाई कोर्ट के पास, और वहाँ भी आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह का चेकिंग चल रहा है। देखिए हाई कोर्ट पे भी चेकिंग जारी है, और धूप में सर मेहनत करते ही आ रहे हैं, आगे तो सचिवालय पे पुलिस ही को धक्का दे के लोग भाग रहे हैं। यहाँ पे भी होता है वैसा तो नहीं, यहाँ होता है, यहाँ पर जो है अगर देख लेता है कि चेकिंग हो रहा है तो उधर उतार के रिटर्न भाग जाता है। रिटर्न भाग जाता है, हाँ। कह रहे हैं कि यहाँ लोग अपने से बचने के लिए नहीं, पुलिस से बचने के लिए भागते हैं। हाँ, अपना जो है कम से कम हेलमेट पहन करके आदमी अपना सुरक्षा करे तो क्या कहते हैं अच्छा रहेगा। ये मतलब कि पुलिस से के फाइन से बचने के लिए ऐसा करते हैं, पुलिस से फाइन, हाँ पुलिस से जो फाइन करते हैं इसलिए इसी से वो लोग भाग जाते हैं। डबल हेलमेट का कितना चल रहा है? डबल हेलमेट का वही 1000 ये फाइन है जी। अगर दोनों हेलमेट नहीं पहने तो उसका भी तो अभी वही फाइन चल रहा है। जी देखिए लोग जो हैं वो अभी सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि धूप में पुलिस अफसर जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और आप ही लोग के लिए सेवा कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ हो ना। तो यही बोलूँगा कि अगर आप लोग रोड पर निकल रहे हैं तो चलान से बचिए, पुलिस से नहीं बचिए, चलान से भी बचिए और अपना जान को भी बचाइए। देखिए सचिवालय के पास भी हम नज़ारा दिखा दिए किस तरह का, यहाँ पर भी पुलिस अफसर से गाड़ी एक्सीडेंट किया है, ये देख रहे हैं खड़ा हो चुकी गाड़ी, वहाँ चला गया गाड़ी, वहाँ चला गया बचने के लिए। नहीं नहीं वैसा बात नहीं था, गाड़ी मुड़ रहा था, तेज चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ हेलमेट था तो बच गया आदमी, उसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हल्का चोट लगा, वो आदमी आराम से चला गया। फिर बात हेलमेट पहनना जरूरी, हाँ हेलमेट जरूरी है पहनना, हेलमेट पहने हुए थे उनको कुछ कहीं नहीं लगा, दूसरा जगह चोट नहीं लगा उनको, हल्का सा हाथ में हल्का सा चोट लगा वो चले गए। फिर
एक गिरे यहाँ पर एक्सीडेंट देख रहे हैं है ना। देखिए सीधे आपके सामने एग्जांपल दे दिए सर कि हेलमेट पहनिएगा तो बचिएगा, फाइन देने से भी बचिए और अपना जान को भी बचाइए। जब भी आप रोड पे सड़क पर निकल रहे, घर से अगर निकल रहे तो हेलमेट ज़रूर रखें, नहीं तो फाइन तो भाई देना ही पड़ेगा। और बाप रे बाप करने लगेंगे जब फाइन और बढ़ते जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फाइन बढ़ गया है और आप लोग ही कंप्लेन करते हैं कि महंगाई बहुत है। तो पैसा बचेगा, हेलमेट पहनिए और रोड पे निकलिए, क्योंकि धूप से भी बचेगा, एक्सीडेंट से भी बचेगा। और एग्जांपल सर ने दे ही दिया, और धूप में किस तरह से मेहनत हो रहा है। हाईकोर्ट के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा दिए, सचिवालय के बाहर का नज़ारा दिखा दिए। गलती आज बस यही किए हैं लोग कि पुलिस ही को धक्का मार के निकल रहे, तो ऐसा ना करें। आप ही लोग के लिए ये लोग खड़े हैं और आप ही लोग के लिए सेफ्टी के लिए ये लोग समझाते हैं कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। बस यही बोलूँगा जाते जाते कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि चेकिंग जो है वो ज़बरदस्त हो रहा है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा प्रकाश के साथ मैं अनुकुल तिवारी।